पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं TCS.com कैरियर TCS स्मार्ट हायरिंग, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां जाकर भी साइट को एक्सेस कर सकते हो। बस एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना, अगर आप मोबाइल से साइट को खोल रहे हो, फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको डेस्कटॉप साइट पहले ऑन करना होगा, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो। तो फिलहाल मैं इसे अपने लैपटॉप में मैंने इसे खोला है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि TCS स्मार्ट हायरिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2020, 2021 एंड 2022, मतलब जो स्टूडेंट का पासिंग ईयर 2020, 2021 और 2022 है, वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिखाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन इंड डेट है वो 2 नवंबर 2021 है, मतलब आपको 2 नवंबर इसका लास्ट डेट है, उससे पहले ही आपको फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। टेस्ट डेट जो है वो 19 नवंबर है, 19 नवंबर 2021 ऑनवर्ड जो टेस्ट हो गया आपका वो है 19 नवंबर का। और जो इंटरव्यू डेट है यहाँ पे वो अभी तक अनाउंस तभी होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपके रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू डेट यहाँ पर आपका अनाउंस किया जाएगा। तो अब इसमें अगर आप नए यूजर हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना, नहीं तो आपको लॉग इन कर लेना। सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रजिस्टर होगा, किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वो सारी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर TCS स्मार्ट हायरिंग, आपको यहाँ पे भी सारी कुछ दिखाया गया दिया गया जिसे आप पढ़ करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, लॉग इन भी कर सकते हो। तो सारे स्टेप यहाँ पे दिया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैं एक नया यूजर और मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट है, यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आप सभी को पढ़ लेना है। और एक जो सबसे जरूरी बात है कि TCS डज नॉट रिक्वेस्ट कैंडिडेट टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर जॉब ऑफर्स, मतलब किसी भी तरह के जॉब ऑफर्स के लिए आपको TCS की तरफ से कोई भी एक रुपया भी क्या एक पैसा भी जमा करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाएगा तो समझिएगा वो फेक है और इसके बारे में आप फिर कंप्लेन कीजिएगा, मतलब TCS की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लॉग ऑन टू TCS नेक्स्ट स्टेप, आप लॉग इन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हियर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे सीधा लॉग इन करना है, ठीक है, रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर TCS स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस, उसके बाद आपको प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। सिनोरियो ए में क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर रजिस्टर्ड यूजर काइंडली लॉग इन एंड प्रोसीड टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन फॉर्म अपॉन सबमिशन, काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव, यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर ड्राइव पे करना है। अगर आप लॉग इन हो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जो हियर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, इफ यू आर ए न्यू यूजर काइंडली क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक IT का मिलेगा और भी एक ऑप्शन मिलेगा जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर स्टेप 3 क्या करना, मोड ऑफ टेस्ट इन सेंटर और रिमोट, ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर टू कंफर्म योर स्टेटस ट्रैक योर एप्लीकेशन द स्टेटस शुड रिफ्लेक्टेड अप्लाई फॉर ड्राइव, फिर आपको ये अप्लाई फॉर ड्राइव पे यहाँ पर आपको चले जाना है जहाँ से आप ट्रैक कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन को। तो और थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट पैटर्न के बारे में पता लगेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंट है वर्बल एबिलिटी के बारे में, रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, जिसमें कि टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे के लगभग ये टेस्ट होगी, 120 मिनट का है, जिसमें कि 24 क्वेश्चन इसमें रहेंगे वर्बल एबिलिटी में, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम इसमें 30 मिनट रहेगा, 50 मिनट रहेगा और 40 मिनट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पैटर्न भी देख सकते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाकर के आप बहुत सारे क्वेश्चन जो दूसरे के द्वारा पूछे गए हैं, हो सकता है वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, तो आप इसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आगे मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, सीधा मैं चलता हूँ रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ को ऊपर में ही बटन दिया गया जिसपे मैं क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक न्यू पेज खुलेगा, रजिस्टर्ड नाउ पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक IT का, एक BPS का। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया, प्लीज नोट दैट यू कैन रजिस्टर विद अस अंडर ओनली वन कैटेगरी एंड रजिस्ट्रेशन इन इनकरेक्ट कैटेगरी में लीड यू टू रिपीट द इंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब आपको पहले बार में ये एकदम पक्का होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाके रजिस्टर करना है या फिर बिजनेस प्रोसेस सर्विस में। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड से हो तो आपको IT सेलेक्ट करना है, अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से हो तो आपको BPS सेलेक्ट करना है। आप देख लो ये आपके नीड पे, आपने जिस चीज़ की डिग्री ली है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे IT पर सेलेक्ट करता हूँ। IT पे सेलेक्ट करने के बाद एज ए रिजल्ट फिर एक न्यू पेज खुलेगा जहाँ पे आपको इन सारे
फील्ड को भरना पड़ेगा, सारे मैंडेटरी है, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, क्वालिफिकेशन आपका हो गया, ईयर ऑफ पासिंग फॉर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या, और अपने कब पास के नियरेस्ट लोकेशन आपको भरना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड एज पर TCS पासवर्ड पॉलिसी के, मतलब पासवर्ड यहाँ पर डिजिट भी होना चाहिए या फिर नंबर भी होना चाहिए, वो जब आप पासवर्ड डालिएगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। री इंटर पासवर्ड आपको री इंटर एक बार फिर से पासवर्ड करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आंसर टू द सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कैप्चा लिखा गया है उसे भी यहाँ पर सेम आपको लिखकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों सारा प्रोसेस करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रेफरेंस आईडी आपका जनरेट होगा जिसे आपको संभाल कर रखना है, उसी से आपका आगे फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा या फिर लॉगिन करने में वो काम आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका ये सारा चीज़ यहाँ पर एक नया फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको टेस्ट लोकेशन देनी होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, अदर डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, इन सारे चीज़ को यहाँ पर आपको कम्प्लीटली पूरी तरीके से भर देना है। एड्रेस से लेकर के प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को करके यहाँ पे सेव करके सेव एंड कंटिन्यू करते जाना, और फिर आपको यहाँ पर जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे फिर आपको एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पर भरना है। ठीक है, सारा इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना, फिर जब आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा फिर आप अपने मेल का इंतजार कीजिएगा या फिर इस पोर्टल को चेक करते रहिएगा, क्या पता आपको सारी जानकारी इंफॉर्मेशन या तो मेल के थ्रू मिलेगी या तो इस पोर्टल पर मिलेगी, चाहे वो एग्जाम डेट हो या फिर इंटरव्यू के से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप TCS के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।